अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं ऐसे क्यों बैठा हूँ। तो भाई सुबह सुबह गाइस एक हमारा काम ख़राब हो गया, और जैसे हमारी आँख खुली, असल में रात हम लोग जल्दी सो गए थे, तो हमने रात ध्यान नहीं करा। और सुबह जब हमारी आँख खुली तो हमारी नज़र पड़ी उस चीज़ के ऊपर। अच्छा तो नहीं लग रहा इस तरीके से कि शुरुआत वीडियो की मैं ऐसे करूं, मगर मजबूरी है कि आपको अपनी फैमिली मानते हैं तो आपको भी दिखाएंगे वो चीज़ कि क्या गड़बड़ी हुई है हमारे यहाँ रात को। रुकिए एक मिनट। तो गाइस हुआ सब इतनी अचानक कि बोला हमें खुद समझ में नहीं आया कि यार ये हुआ क्या है। आइए दिखाते हैं आपको। ये देखिए, इस बिल्ली ने ना रात को मारकर उठाया, मारकर पेन, और अपने हाथ देखिए कैसे करें। ये देखिए दोनों हाथ, अपने दोनों हाथ बिगाड़ लिए। ये देखिए और सारा मुंह पे भी मारकर लगा रखा है, खुद ही खुद चलाया। निकालो तुम सही। तो इस बिल्ली ने ना रात को मारकर पेन निकाल के और सारा अपने आप को गंदा कर दिया। अभी छूटेगा नहीं बेटा, ये बहुत हार्ड वाला पेन है। देखिए दोनों हाथ देखिए जरा इसके, एक हाथ ये रहा और एक हाथ ये रहा। खूब चलाया मारकर पेन, हमें पता भी नहीं, मंदिर में बैठे हुए थे। तो ठीक है गाइस, अभी सुबह के बजे 9:30 और व्लॉग हमने स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे। आज दिन है वेडनेसडे का, बने रहिए हमारे साथ। अभी चलेंगे नाश्ता करने और हल्की फुल्की तैयारी चल रही है मुजफ्फरनगर की, है ना। अभी फाल में तैयार हो चलने के लिए, फाल में तो हरदम तैयार है हर जगह चलने के लिए। कभी मुंडी मतलब ना में नहीं हिलती, हमेशा हाँ में हिलती है। तो ठीक है गाइस, करते हैं आज पूरा दिन तैयारी इंशाल्लाह। ये तो कल निकलेंगे या फ्राइडे का तो फिर पक्का ही है। जी गाइस सुबह की शुरुआत आपको पता है हो चुकी है, और देखिए बच्ची ना फिर से मारकर पेन उठा के दिया है। अच्छा हम लोग है ना रात को अंधेरा कर दिया था हमने कमरे में, क्योंकि मच्छर आ रहे थे, तो हमने अंधेरा कर दिया और हम लोग लेट गए अपना अपना मतलब सोने के लिए। और ये मैडम ना ही चुपके से ये उठा गया, ठीक है, जाग तो रही थी मगर हमें नहीं पता था कि अंधेरे में क्या कारस्तानी चल रही है। तो वो कारस्तानी है ना ये सब चल रही थी खूब, है ना मिन्नी, नहीं चौधरी की मिन्नी बच्ची, मिन्नी प्यारी थी। तो जी गाइस यहाँ पे हमारे लिए नाश्ता तैयार हो रहा है, और देखिए इसके अंदर अंडे डल चुके हैं, और ये सारे के सारे अंडे जो हैं गाइस मुर्गी के कहलाते हैं वैसे हमारी दिल्ली के अंदर, मगर आजकल चाइना के अंडे आ रहे हैं। फातिमा आ रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा मतलब बिल्कुल भी यार, हाँ चाइना के अंडे आ रहे हैं गाइस। तो भाई मतलब जब भी आप लें ना तो चेक करके लें, इसकी पहचान पता है क्या है अंडे की, मैं आपको बताता हूँ। आप उसे ना ऐसे करके हाथ में पकड़िएगा, यूँ करके दोनों ऐसे करके उंगलियों में, तीन उंगलियों में, दोनों ये वाली उंगली और एक अंगूठा ऐसे करके पकड़िएगा आप उसको, पहचान बता रहा हूँ मैं आपको चाइना के अंडे की और इंडिया के अंडे की। और आप है ना उसको ऐसे करके मतलब यूं करके छोड़िएगा, पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। हाँ अबे यार ये तो फूट गया फातिमा वाके में यार, ये तो इंडिया का अंडा है, इसका मतलब ये तो सही था, फिर हमने बेकार ही आज चेक करा इसको। तो गाइस मतलब हमारा अंडा सही था भाई, और ये फूट गया। चाइना का अंडा ना फूटता नहीं है, वो है ना ऐसे करके जमीन पे गिर के उछल जाता है। अरे यार नुकसान कर दिया, 800 रुपये का एक अंडा था, कोई बात नहीं, वैसे भी तो फूट ही जाते। एक काम करो बोलाओ प्याज और वो यहीं पकाते हैं इसे बैठ के। तो गाइस यार ये छुट गया हाथ में से, क्या करें भाई, हानिया अंडा फूट गया। हाँ अंडा फूट गया भाई। हाँ यार ये तो फातिमा यार गलत प्रैंक हो गया भाई, हैं चलो कोई बात नहीं साफ कर लेना, नुकसान तुम्हारा थोड़ी हुआ, मुर्गी का नुकसान हुआ जिसका अंडा टूटा। मैं तो सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए ना मतलब मैंने ये कुर्बानी दी अंडे की, मतलब अपना अंडा मैंने अपना नहीं मतलब मुर्गी का अंडा मैंने तोड़ दिया सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई मतलब उनको है ना पहचान हो जाए इस चीज़ की। तो गाइस आप जब भी खरीदे ना परचून की दुकान पे से अंडा, तो अंडा ऐसे छोड़ के जरूर देखें, अगर वो उछल गया ज़मीन पे लगते ही तो मतलब वो चाइना का है, वरना फिर वो इंडिया का है। काम बढ़ गया फातिमा के लिए। देखिए मैंने यहाँ की बिल्कुल सही से सफाई कर दी है बढ़िया करके, मतलब फातिमा को है ना कुछ करना नहीं पड़ता घर के। किसने करा? अच्छा तुम सीन में भी तो आ गई कर दी, वरना मैं बोल देता कभी मैंने करी है। तो भाई ठीक है गाइस यहाँ पे बनने जा रहा है हमारा ऑमलेट, हमें नाश्ते में बहुत लेट। तो गाइस अंडे की पहचान तो मैंने आप लोगों को करा दी है, अब करते हैं इस वाली कांच की प्लेट की ट्राई। मजाक कर रहे गाइस, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तोड़ फोड़ वाले इंसान नहीं है, मतलब बहुत सीधी सरल जिंदगी है भाई। और भाई यहाँ पे हमारा अंडा बस तैयार, पहचान कर लो। हाँ तो भाई इनको भी फोड़ के देखेंगे फिर इनकी भी पहचान हो जाएगी किस मतलब। ऊपर छज्जे पे से नीचे फेंक के देखो क्योंकि टूट फूट नहीं, मैंने अल्लाह ना करे यार छज्जे पे से फेंके, जब फेंकेंगे छत पे से फेंकेंगे सीधे जाके। तो फातिमा ये अंडे कैसे बन रहे हैं यार, कैसे जले जले से, मतलब दिल जली मुर्गी थी क्या कोई यार, कैसे काले काले अंडे पड़ गए इसके बंदे के साथ ही है भाई। मुझे क्या पता, दिल जली पता नहीं यार क्या हो गया, मुझे लग रहा है ये कुछ मतलब यार कहीं इसका चक्कर वक्कर चल रहा था मुर्गी का, मतलब वहां पे इसकी शादी नहीं हुई तो अब ये तपके है ना काले काले अंडे दे रही है, किलस के जल गई है बेचारी। कर लेते हैं नाश्ता
और फिर जाएंगे शॉपिंग। ओह फॉर शॉपिंग। तो गाइस यहाँ पे अंडे के साथ है मलाई, और तुमने उस वाली मेरी पेंडी कर दी सिलाई। तो भाई करते अभी नाश्ता, चल गया बहुत शेर व शायरी हो गई सुबह ही सुबह। तो गाइस नाश्ते से फारिग हम हो चुके हैं बहुत देर पहले, अभी दोपहर का बज रहा है 1:40, और बच्चे भी आ चुके हैं पढ़ के। और भाई अभी हमारे घर के अंदर है ना एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हाँ नहीं रुक जाओ, अभी रुक जाओ एक मिनट। तो भाई बहुत बड़ा खुलासा क्या है, ये हमारे बड़े वाले भाई साहब है ना, ये इधर देखो रैयान ने ना मतलब रात को यूँ कह रहा है कि मैंने डैडी जब ये बहुत शैतानी कर रही थी ना, तो मैंने मार्कर से मतलब इसके हाथों पे पहले फूल बनाए, फिर ये मुझे परेशान कर रही थी तो मैंने इसके पेन मतलब मुँह पर भी चला दिया। तो भाई ये सारी कारस्तानी इनकी थी, इन भाई साहब ने भी आगे मतलब बताया हमको। और गाइस यहाँ पे चल रही है हानिया की चंपी, हानिया के लिए देखिए फातिमा ने तेल बना रखा, दिखाना फातिमा ये कौन सा तेल है फातिमा? हानिया के अपने लिए कलौंजी का। तो गाइस ये कलौंजी का तेल है फातिमा ने बना रखा है। हाँ तो फातिमा की लहराती उलझाती जुल्फे जो है ना वो इसी तेल की वजह से उलझाती सुलझाती। अरे मेरी रानी, मेरी रानी तो रानी चल रही है पे मालिश, तेल मालिश हानि देखो देखो तो भाई अभी हानिया जाएगी नहाने के लिए, दोपहर हो चुकी है 2 बजने में थोड़े टाइम है, तो अभी चलते हैं कुछ एक दो काम है उन्हें निपटाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। ये गाइस निकल चुकी है टोली अभी बाहर जाने के लिए, मैं जाऊँ एक दो टी शर्ट या शर्ट लेने क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा, फिर एक आध दिन में हमें निकलना है मुजफ्फरनगर, तो पहले से पहले इंतजाम कर लो ज़्यादा बढ़िया है। 1:37 लेटर बजवान साहब जा रहे हैं सिपारा पढ़ने, अपना नीचे वाले फ्लैट में पढ़ते हैं दोनों बच्चे जाके, मौलाना साहब वहीं आते हैं। और मैं पहुंच चुका हूं घर पे गाइस, दोपहर की गर्मी जैसे मई जून का महीना चल रहा हो। तो गाइस यहां पे रैयान जो है वो सिपारा पढ़ के आ चुका है नीचे से, और हमारी हानी रानिया जो है ना वो देखिए यहां पे सो रही है, जाग रही है ये बच्ची, ये बच्चा सो रहा है कि जाग रहा है भाई, है भाई हाँ आपको नहला दिया मगर आपके मुँह पर से निशान नहीं गए हानी अभी तक, है ना भाई? हाँ ये सब भैया ने ख़राब करा, इस बच्चे ने ख़राब करा इसका मुँह। फातिमा उड़ गई हानिया तो, हाँ उड़ गई, छोटी छोटी सी नींद लेती है बच्ची। तो भाई यहाँ पे चल रही है तो मेरे खाने की तैयारी, और खाने के अंदर बन रहा है यहाँ पे क्या बन रहा है, ये राजमा चावल। तो राजमा भिगोया तो था नहीं, भिगो दिया था, ओहो कहाँ ऊपर टंकी में भिगोई होंगे सिंटेक्स के, तो खाऊंगा नहीं फातिमा, तो मेरे हिस्से के तो 15 राजमा अलग कर देना, 15 राजमा गिन लो, 15 राजमा तो कम, 15 नहीं तो 20 राजमा खाता है बहुत से बहुत, तो गिन के अलग निकाल दो राजमा को, ठीक है? मेरी बिल्ली तो आ गई उठ के यहाँ पे भाई, ये भाई ये रानी तो उठ के आ गई यहाँ पे, क्या हुआ क्या हुआ, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो गुस्से में रानी, इधर आओ इधर, धूप हो रही है वहाँ पे। तो गाइस गर्मी जो है ना फातिमा, गर्मी ऐसी हो रही है जैसे मतलब मई जून का महीना चल रहा हो, धूप तो ऐसे निकल लिया हमारे पास कर्ज आ रहा है उसका, ऐसे चिलचिलाती भी निकल लिया, धूप पसीने निकाल देती है सारे के सारे। देखिए दोनों बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन, और हानिया देखिए उनके पीछे पीछे, हानिया कहाँ जा, कहाँ जा रही हो आप, कहाँ जा रहा मेरा बेटा, आ जाओ भैया तो ट्यूशन जा रहे हैं दोनों, आ जाओ जाओ रैयान जल्दी जाओ बेटा, ध्यान से जाओ, दुआ पढ़ो बिस्मिल्लाह तवक्कल तू, पढ़ लो जल्दी दोनों भाई पढ़ लो, अल्लाह हाफिज़। तो जी गाइस जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि इस सीन के अंदर फातिमा ने आपको कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई है कि अभी हमारे बच्चे जो है मतलब ट्यूशन जा रहे हैं पढ़ने, मतलब ऐसा आप लोगों ने आज तक देखा ही नहीं होगा ऐसा सीन किसी भी ब्लॉग के अंदर, हमारे बच्चे जा रहे हैं नौकरी और तो किसी के जाते ही नहीं, शायद वापी वहाँ फातिमा शाप दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। और गाइस खाना बन चुका है, मैंने इतना सा राजमा बनाया, इतने से चावल बनाए, राजमा बनाया, तो भाई यही तो गाइस ज्यादा बना लो तो फिर वो वेस्ट होता है, उसका गुना भी मुझे ही मिलता है, तो मैं थोड़ा बनाती हूं। देखते देखते शाम हो चुकी है और शाम के बज चुके हैं 7:45, और फातिमा मैडम ने बना लिया हमारे लिए चाय, और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं मार्केट, और हमारा फाइनल हो चुका है मतलब हमारा वीजा आ चुका है मुजफ्फरनगर जाने का, तो भाई हम लोग निकलेंगे इंशाल्लाह कल दोपहर तक, दोपहर में 2:30 बजे तक हम इंशाल्लाह यहाँ से निकल जाएंगे, रवानगी बारात हमारी हो जाएगी। तो भाई मैडम कैसा लग रहा आपको, है आपको, हैं? हाँ रवानगी बारात जो है वो कल दोपहर 2:30 बजे का टाइम है, तो भाई जिस जिस हजरात को चलना हो तो वो लोग हमारे साथ आ जाएं, और लोग नहीं लोग, तो भाई जिस जिसको चलना हो मुजफ्फरनगर, किसी ने अगर नहीं देखा हो, किसी का सपना हो मुजफ्फरनगर जाने का मतलब हाँ भाई किसी का अरमान हो, किसी का अरमान हो भाई, मैं मालूम कर लूँ ना, पूछना फ़र्ज़ है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से आएगा मतलब पूछो। तो भाई इस वजह से भाई हमने बता दिया है कल को अगर किसी को साथ चलना है हमारे तो 2 बजे से पहले पहले हमसे संपर्क करें, बैग लेके, हाँ बैग लेके आ जाएँ इंशाल्लाह, फिर यहाँ से टम्पू कर लिया, टम्पू में बैठ के चले गए सारे के सारे। जी गाइस 7 बज चुके हैं, आप लोगों को पता है चाय से हम फारिग हो चुके हैं, और अभी मैडम की फरमाइश है कि इन्हें बाजार लेके जाना है, इन्हें एक दो जोड़ी मोजे लेकर आने, ठंड पड़ रही है ना मुजफ्फरनगर में, मोजे तो कह रही थी तुम, फिर
हानिया का सामान हानिया का थोड़ा बहुत सामान लेकर आना का। हाँ सुना मुजफ्फरनगर में मतलब बहुत बर्फीला तूफान आया हुआ है, तो हम यहाँ से गर्म कपड़े भी कुछ साथ लेके जा रहे हैं। तो ठीक है, अभी चलते हैं पहले मार्केट, थोड़ा सा खरीदते हैं सामान, वहाँ पे चल के बने रहिए हमारे सब लोग के अंदर। तो ठीक है गाइस, निकल चुके हैं हम लोग अपने घर से अभी रोहतास नगर जाने के लिए। यहाँ से रोहतास नगर का सफर है कम से कम 2.5 घंटे का, तो मिलते हैं आपसे 2.5 घंटे का, 2.5 मिनट का यार। हमने हानिया के कपड़े तो ले लिए और अब हम आए हैं फातिमा की बिलिस्टिक वगैरह लेने के लिए। बिलिस्टिक बोले तो लिपस्टिक। रात के बज चुके हैं 10:15 और ये जो लेडीज है ना, इन्होंने मतलब यार थका रखा है भाई। मार्केट गई मेरे साथ रोहतास नगर, सामान खरीदा मैडम ने, सामान उसी के दुकानदार की दुकान पे छोड़ा और पैसे कटवा के मैडम घर आ चुकी है वापसी। और अब दोबारा बेच लेना। हाँ, और मतलब अब मुझसे कह रही है जरा लेकर आओ सामान को जाके। और अभी मैं दोबारा गया रोहतास नगर, 4 मंजिल उतर के 4 मंजिल फिर चढ़ के तो जाके देखा तो गाइस मार्केट सारी बंद, लट फिर रहा था वहाँ, तो पुलिस वाले जम जम के लट मार रहे थे दुकान पर। इन्होंने मुझे ये लाकर दिया है, चश्मा ला के दिया है गाइस 12,000 रुपए का इनको, अभी अभी पहली बार पहन के देख रही है। तो भाई आप लोग बताइए कमेंट में, मतलब चेहरे पे बाद में कैसे लग रहा है। असल में मुझे स्कूल टाइम से मतलब हमें लेकर आया हूँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी भाभी पढ़ी लिखी सी लग रही है, नहीं मतलब मेरे बराबर की लग रही है। हाँ फिर ये जॉब करेंगी अपने, इनकी फिर नौकरी लगने वाली है पेट्रोल पंप पे, फिर ये गाड़ी में पेट्रोल भरा करेंगी। तो ठीक है गाइस, अभी आ तो चुका हूँ खैर मैं घर पे, अभी जा रही है खाना बनाने रात का। तो गाइस यहाँ पे मेरे लिए बनने जा रहा है स्टू, क्योंकि भाई मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया, पूरी दौड़ लगवा रखी आज, पूरा दिन हो गया मुझे सुबह से भागते भागते, मतलब आप लोगों को मैं देखने में कमजोर सा भी लग ही रहूंगा। तो अभी मैं फिर जा रहा हूँ दोबारा से, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से। तो भाई गाइस हाँ चेहरा झटक गया ना मेरा, तो अभी मैं जा रहा हूँ फिर से दोबारा जाफरबाद, कुछ काम है वहाँ से लौट कर आते हैं, फिर अपना वीडियो अपलोड करेंगे यार, इसको फटाफट आज डालनी इस वाले भी लोग को। तो भैया फिर उतर रहे नीचे इसी जीने पे, समझा मैं तो ड्यूटी लग गई यार, मतलब ये जीना याद हो गया भाई। और राहिब आया हुआ था यहाँ पे, राहिब और आहिर वो भी जा रहे हैं अभी अपने घर वापस। तो भाई कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ कि कल को हम लोग निकल जाएँ यहाँ से सुबह मुजफ्फरनगर के लिए, मगर देखते हैं या तो निकलेंगे दोपहर तक ही निकल पाएंगे, सुबह तो नहीं खैर। तो ठीक है, आज तो थक गए यार, ये देखिए अभी हाथों में सामान है और थक चुके हैं यार, तो यहाँ बेल बजाओ। तो ठीक है गाइस, बंद करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर ही, इस उम्मीद से कि शायद आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो। भाई बहुत सारे काम थे सारे निपटा दिए हमने, इंशाल्लाह कल कोशिश है मुजफ्फरनगर निकलने की, कल हो सकता है दोपहर के बाद या फिर 3 बजे तक हम लोग निकल जाएँ मुजफ्फरनगर के लिए, आपको कल वाले ब्लॉग में पता चली जाएगा। वो तो बने रहेगा हमारे साथ, ब्लॉग हमारे देखते रहेगा और सब्सक्राइबर बढ़वाते रहेगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके अल्लाह हाफिज़।